हेलो नमस्ते, वेलकम टू मोटोबीप। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी जो कूलेंट होती है उसे कैसे चेंज करते हैं, रेडिएटर फ्लश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हैं। बेसिकली रेडिएटर हमें फ्लश इसलिए करानी चाहिए ताकि जो जो लाइनिंग होती है रेडिएटर के अंदर, उसमें क्या होता है कि जब पानी जाने की वजह से अंदर वो रस्ट पकड़ लेते, थोड़ी लाइनिंग चोक होने लगती, इसलिए हम रेडिएटर फ्लश यूज़ करते हैं, जिससे वो जो जमे हुए पार्टिकल्स है वो ढीले होकर बाहर आ जाते हैं पानी की मदद से। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप गाड़ी पानी पे चलाते हो या फिर कूलेंट कम यूज़ करते हो, पानी ज़्यादा डालते हो, जो जो इंजन की लाइनिंग होती है हेड में, उसमें क्या होता है कि आपकी जो जंग की पार्टिकल है, रस्ट पार्टिकल, थोड़ी थोड़ी जमा हो जाती है और वो इंजन ख़त्म कर देता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए हम रेडिएटर फ्लश यूज़ करते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी शुरू से ही कूलेंट पे चली है तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं नॉर्मली वाटर से ही फ्लश करूँगा, रेडिएटर फ्लश की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो रेडिएटर फ्लश भी यूज़ कर सकते हैं। कूलेंट की टाइमिंग की चेंज होती है, कूलेंट टाइमिंग का जो होता है कितने समय पर आपको चेंज करना चाहिए, वो 3 साल होती है, 3 साल या फिर 20,000 किलोमीटर पे। तो अभी गाड़ी को मेरे 15,000 हो चुके हैं, अभी मेरे कूलेंट टाइम चेंज करने का समय हो गया। हालांकि अभी और चल सकते हैं, मैं फिर भी थोड़ा कूलेंट ख़राब होने लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चेंज कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा रुपये का कूलेंट आता नहीं जितनी की मतलब गाड़ी है उससे कम के, मतलब फिर ये लफड़ा उतना मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी कूलेंट हम चेंज करेंगे। और एक चीज़ और, जब भी कूलेंट चेंज करें हमेशा सेम कलर का कूलेंट डलवाएं। अगर गाड़ी में आपकी ग्रीन है तो ग्रीन से रेड पे स्विच ना करें, रेड है तो ग्रीन पे स्विच ना करें, ठीक है। और हमेशा 50-50 का रेशियो मेंटेन रखें। बहुत सी कंपनी होता है कि 1:3 का रेशियो देती है, 1 लीटर कूलेंट 3 लीटर पानी, ये कुछ मतलब नहीं बनता, वो कूलेंट पानी से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 50-50 रखें। अगर 4 लीटर है तो 2 लीटर कूलेंट 2 लीटर पानी, ये बेस्ट होता है, ठीक है। दो टाइप के कूलेंट आते हैं, एक हैवी ड्यूटी कूलेंट और एक रेडी टू यूज़ कूलेंट। अब जैसे बहुत से लोग नल का पानी, चापाकल का पानी ऐसा डाल देते हैं, ठीक है, तो वो मतलब वो इफेक्टिव नहीं रह जाता है, उसमें आपको नॉर्मल डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। लेकिन अभी कोई कोई आरओ का पानी, नॉर्मल घर का पानी डाल देते हैं। तो अभी कंपनी ने क्या किया कि हैवी ड्यूटी में तो एक आप अलग से पानी डाल सकते हो जो डिस्टिल वाटर होता है, एक रेडी टू यूज़ आती है उसमें कंपनी आपको पानी मिला के देती है, तो उसमें जस्ट आपको वो सील खोलना और सीधा डाल देना, उसमें कुछ आपको पानी वानी मिलाने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मेरा हैवी ड्यूटी है और मैं सारी चीज़ें आपको अभी करके बता रहा हूँ। हम कूलेंट चेंज करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और कुछ इस तरह का कूलेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल पानी हो चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो। और चेंज करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ, कहाँ से आप ड्रेन करोगे कूलेंट को। तो हर रेडिएटर में एक ड्रेन बोल्ट होता है, ठीक है, जैसे इस वैगनार में आपको वहाँ पे ड्रेन बोल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो ड्रेन बोल्ट से आप इस सारे रेडिएटर के कूलेंट को आप निकाल सकते हो। वो आपको ड्रेन बोल्ट वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वो नीचे वाली, उसे आपको जस्ट लूज़ करना और सारा कूलेंट बाहर आ जाएगा। उससे पहले हम ये रिजर्वॉयर टैंक को बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। आप चाहो तो इसे कहीं स्टोर भी कर सकते हो या आप सीधा निकाल सकते हो, मैं तो सीधा निकाल दूँगा इसे। और जब भी गाड़ी गर्म हो तो ये चीज़ ना करें क्योंकि कूलेंट बहुत ज़्यादा हीट होता है। इसे आप निकाल के साफ कर लें, जो रिजर्वॉयर टैंक होती है। अब आप देखो एक चीज़, इसमें क्या बच रखा है, सिर्फ पानी है, ये कुछ नहीं है। अब ऐसे में गाड़ी थोड़ी ओवरहीट तो होगी, ये देखो कुछ नहीं बचा, इसे भी फेंको। कूलेंट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे कि आप ये कूलेंट है तो इसमें आप देखो एक पीलापन आ गया, ठीक है, मतलब ये कूलेंट ख़राब हो गया, ग्रीन नहीं है, मतलब पीलापन आ गया, ये कूलेंट अब चेंज करने लायक हो गया, ठीक है। तो सारा कूलेंट हमारे यहाँ भी ड्रेन हो चुका है। अगर आप रेडिएटर फ्लश करते तो जो अभी क्या करते, जो रेडिएटर फ्लश की शीशी आती है उसे आप रिजर्वॉयर टैंक में डाल देते या फिर इसमें डाल देते, बेस्ट इसमें होता है, इसमें आप डाल देते और गाड़ी को स्टार्ट कर देते। तब तक गाड़ी को बंद नहीं करते तब तक जो रेडिएटर की फ़ैन है एक बार घूम नहीं जाती, मीन्स इसका घूमने का मतलब होता है कि एक बार आपकी जो इधर रेडिएटर से लाइनिंग होकर सारे इंजन की घूम के वो सारी जो कूलेंट है वो वापस आ चुकी है, एक बार फ़ैन घूमने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ सीन होता है, ठीक है, तो आप उस टाइम ऐसे करेंगे। लेकिन अभी मैं पानी से कर रहा हूँ तो मैं अभी इसमें पानी ऐड करूँगा, सारा कूलेंट मैं हमने ड्रेन कर दिया इसमें भी, तो अभी इसमें पानी पूरा भरेंगे, ठीक है, और गाड़ी को एक बार चालू करेंगे। टॉप अप हो गई, अभी इसे हम कैप लगा के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे एक बार। मार सर, ये कूलेंट अंदर चली गई और फिर से थोड़ा सा इससे हम लोग टॉप अप करेंगे, ठीक है। और अभी इस कैप को हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, और एक बार फैन चलने देते हैं, फिर सारे को हम लोग बाहर निकालेंगे, मतलब इस पानी को हम लोग ड्रेन करेंगे फिर से।
यहाँ पर आप देखिए फैन हमारा घूम चुका है यहाँ पे। बंद कर दे गाड़ी। अब कम से कम 10-15 मिनट हम गाड़ी को ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने एक रेडिएटर कैप खोलो तो ये स्प्लैश आउट हो जाएगा। जो गर्म पानी हमने अभी यहाँ पे जो है वो पूरा हमारे मतलब स्प्लैश आउट हो जाएगा, तो ये डेंजर होता है। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाएंगे, थोड़ा कूल होने देंगे, फिर ड्रेन बोल्ट से सारी चीज़ निकाल देंगे, इसके बाद फिर हम रेडिएटर का जो कूलेंट है वो हम फिल कर देंगे इसमें। सो अभी 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं और अब हम इसे खोलेंगे। अब देखो कुछ कचरा इसमें लाइनिंग में आ चुका है, यहाँ मतलब इस पाइप में। अब इस कचरे को हम ड्रेन करेंगे ड्रेन बोल्ट की मदद से। ये देख रहे हो अभी पानी गर्म भी निकल रहा है और थोड़ा ग्रीन भी निकल रहा है, तो आप इसे जब तक कर सकते हो तब तक पूरा वाइट ना है, या फिर एक बार और कर सकते हो। फिलहाल मैं एक बार और करूँगा इसे, ठीक है, अभी क्योंकि हल्का हल्का ये ग्रीन आ रहा है, देख सकते हो आप। अब ये हमारी दूसरी प्रोसेस चल रही है, एक बार हमने पानी निकाल दिया, फिर से एक बार फिल करके फिर से निकालेंगे, फिर वो हम कूलेंट उसमें फिल करेंगे। ठीक है, ये दो बार का प्रोसेस आप एटलीस्ट ज़रूर करें। सो बहुत लोग के मन में ये भी रहता है कि क्या हम सिर्फ गाड़ी पानी पे चला सकते हैं, तो आप पानी पे गाड़ी चला सकते हो, लेकिन तब जब आप कहीं फंस गए हो कहीं रास्ते में कुछ ऐसा हो गया या कूलेंट कहीं से लीक कर गया, तो आप पानी डाल के 100-200 किलोमीटर चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कहीं डेस्टिनेशन पे पहुँचो तो कूलेंट ज़रूर चलाओ, क्योंकि पानी में गाड़ी चलाने से क्या होता है, जो इंजन की लाइनिंग होती है अंदर में उसमें जंग आने लगती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार आप कूलेंट पे ही गाड़ी चलाओ। तो अभी हमारा दोबारा फ़ैन ऑन हो गया है, अब हमने 5 मिनट छोड़ दिए ठंडे होने के लिए। अब हम इसे ड्रेन बोल के फिर से खोलेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है। अभी देखो पानी का कलर वाइट होने लग गया है। पानी का कलर आप देखो वाइट हो गया, मींस अब ये रेडिएटर फ्लश बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अभी ड्रेन बोल्ट को टाइट कर दिया, और ज़्यादा भी आपको टाइट नहीं करना, बस हल्का जब टाइट होने लगे थोड़ा सा हाफ हेड और घुमा दीजिए, बस उतना काफ़ी है। और ये हम ये यूज़ करें, आप डेल्फी का भी यूज़ कर सकते हैं, रूथ का भी आता है, कैस्ट्रोल का भी आता है, बट ये भी सही, कोई दिक्कत है। और आप ये देखें सील पैक है बिल्कुल। ये 1 लीटर कूलेंट है, हम इसमें 1.5 लीटर कूलेंट डालेंगे और 1.5 लीटर पानी, क्योंकि 1:3 का रेशियो है, मैंने बताया 50-50 करेंगे। या तो आप सिर्फ कूलेंट पे भी गाड़ी चला सकते हैं, वो और भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा पानी भी ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप कूलेंट में चलाना चाहते हो तो कूलेंट भी सही है। ये दूसरी हमने सील खोल ली है, 1 लीटर और है, तो इसमें हम हाफ और ऐड करेंगे, 1/2 लीटर। ठीक है, बाकी इसमें पानी ऐड होगा और जो रिजर्वायर टैंक है, अब इसमें हम यहाँ पे इसमें कूलेंट डालेंगे लो, और ये फुल है, तो हम हमेशा आप ध्यान रखिए फुल से ऊपर ना होना चाहिए, ठीक है, ये लाइनिंग के ऊपर। ठीक है, इसे कभी कुछ कचरा ना अंदर चले, इसे भी साफ कर दे। अब बात आती है पानी मिलाने की, इसमें पानी आप डिस्टिल वाटर यूज़ करें, कोई भी टैप वाटर या फिर वो जो चंपाकल का आता है, ये जो भी ऐसे वैसे पानी वो यूज़ ना करें, डिस्टिल वाटर यूज़ करें। जब फ्लैश करें तो आप वो पानी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो पानी आप ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमारा फिल हो गया है 1.5 लीटर, थोड़ा पानी और जाएगा, क्योंकि अभी तो ये आधा गया इतना, अभी जब इंजन स्टार्ट करेंगे तो थोड़े और ये खींचेगी, थोड़ा और कम हो जाएगा, और बाकी थोड़ा सा पानी हम इसमें मिला देते हैं। और फुल आ गया, आप यहाँ पे चेक कर लें, बिल्कुल लेवल फुल तक हमने यहाँ पे कूलेंट फिल कर दिया। जैसे गाड़ी चालू हुई फिर से पानी थोड़ा खींचा इसने, आप एक बार ना गाड़ी 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाहर से चला के आ जाओ,
और फिर एक बार चेक करो वो ज़्यादा सही हो रहा है। ठीक है, ऐसे फिलहाल चालू है, ऐसे भी चेक हो जाएगी, लेकिन एक बार बाहर चला के आ जाओगे जो लेवल कम होना रहेगा वो कम हो जाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कूलेंट बाहर आ रही है, हो चुकी, इधर भी फुल और इधर भी टॉप अप। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी गाड़ी चलाए सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, बाइक राइडिंग के दौरान हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।